नाली पानी ऊपर आता है, इसके आने जाने के स्तोत्र ये ऋषि आशा जी को तो पानी के ऊपर ये भर जाना था। हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं प्राशर। तो अभी है हम मतलब क्या बोल सकते हैं इनको, हाँ एंट्री गेट के पास पहुंचने वाले हैं हम। तो अभी तो हम सड़क से चल के आए थोड़ा सा, तुम ये देख सकते हो। तो नीचे से अभी दो भैया भी आएंगे मेरे, तो जल्द पहुंचेंगे हम ऊपर। ये देखिए ये है एंट्री गेट, तो अभी जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो चलते हैं, हाँ दिखा रही हूँ। हेलो, हाय। अभी पहुंच चुकी हूँ मैं एंट्री गेट से काफी ऊपर, जो आप देख सकते हो। और देखिए धीरे धीरे हम चलते जा रहे थे, क्योंकि हमें ना अभी नीचे मतलब प्राशर लेक मंदिर के पास पहुंचना है। तो इसके लिए ना पहले चढ़ाई आती है, और वैसे नीचे को हम टर्न करेंगे तो डाउन में जाके हमें दिखता है प्राशर लेक। तो मैं बता दूं हमें आपको कि भाई हम ना करीब शाम के 5 बजे पहुंचे थे प्राशर लेक। तो फॉग भी बहुत ज़्यादा था और ठंडा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो देख सकते हो आप एकदम से ना मतलब पूरा क्लीन हो गया था मौसम, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा दिख रहा था। तो हम पहुंच चुके थे ऊपर, तो चलो फिर चलते हैं। तो ना फ्रेंड्स, अभी हम शाम को पहुंचे हैं यहाँ पे। तो देखिए अभी अभी पहले ना हमारे को इतना ज़्यादा ठंडा लगा हुआ था ना, क्योंकि हम मतलब पीछे रुके हुए थे और इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैं क्या ही बोलूँ। और देखिए अभी तो सूरज देवता जैसे मेहरबान ही हो गए, एकदम से सूरज गिरने गिरे मतलब इसमें रह गई थी। ये देखिए धूप आनी एकदम से स्टार्ट हो गई। देखिए दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ प्राशर लेक। तो जो आप देख सकते हो, देखिए भैया पर दिखाना है वो, देखिए वाह। मतलब यहाँ पे आके ना इतना अच्छा लग रहा है मुझे ना कि मैं क्या बताऊँ। और ऐसा पहली बार हुआ जब मैं यहाँ पे मतलब शाम को पहुंची, मतलब कभी नहीं हुआ कि कभी मतलब हमेशा जब भी आई ना मैं सुबह के टाइम आई, लेकिन इस बार मैं शाम को आई हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहुँच कर। तो मैं आपको नीचे से के दिखाऊंगी पूरा मंदिर, ठीक है। चलो फिर मंदिर की एंट्री हम कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं कैंटीन है मेरे साथ में। तो चलो फिर आगे आगे चलते रहते हैं, है ना भाई। ये है रसाई बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जहाँ पे की क्या खाना बनाया जाता है रसाई में। तो यहाँ पे ना गुप्ते का जिन्होंने मन्नत रखी होती है, हाँ बोल सकते हो। ये मेन दरबार, मेन दरबार भगवान का। तो पहुंच चुके हैं हम भगवान के दरबार में। ये देखिए Yeah.
लिटरेरी कहूँ तो बहुत ही प्यारा मंदिर है जो कि नृत्य का टेम्पल इतना सुंदर है कि मन ही लग जाता है भाई। तो अभी मैंने माथा टेक लिया है तो मुझे अभी बताएंगे आपको यहाँ के पुजारी जी इस मंदिर के बारे में, मतलब प्राशर के बारे में, प्राशर ऋषि के बारे में। तो चलिए मैं मिलाती हूँ उनसे आपको, तो बताइए। यहाँ का जो है बोलते हैं कि ये प्राशर ऋषि जो है, हाँ जी, एक यहाँ पे इन्होंने तपस्या की है, जो बीच में टापू है टापू के ऊपर बैठ के तपस्या की है। जो वे आए हो तो यहाँ तपस्या करते बार बोलते हैं कि ये मंदिर जो है 23 शताब्दी में बना हुआ है। हाँ जी, तो उसके जो ये जो मंदिर बना हुआ है, एक पेड़ का बना हुआ है, देवदार के पेड़ का बना हुआ है, ये 6 महीने के बच्चे ने बनाया है। आगे मकड़ी ने वो कर दी कलाकारी, पीछे से जो है 6 महीने के बच्चे ने इसको बनाया है। बाकी तो हम इस चीज को देखते हैं कि जो यहाँ पानी के ऊपर ये मंदिर है, हमें तो इसकी शक्ति यही अनुमान होता है कि जो भी पानी इसका जो आता है आसपास से, जो रेलियों से जो पानी इसके नीचे आता है, इससे या तो घर जाना था, ये भरता ही है, ना ये पानी कम होता है ना ये पानी ऊपर आता है। इसके आने जाने के स्तोत्र ये ऋषि आशा जी को, तो ये पानी के ऊपर ये भर जाना था। हाँ जी, आसपास का जो पानी जब आता है बरसातों में तो ये पानी भर जाना था इसमें, जैसे हमारे नदी नाले में आता है तो वैसा पानी यहाँ भी आता है, चारों साइड चंद्र की ओर आता है। हाँ जी, तो वो पानी ये ऋषि की शक्ति से ना ये पानी ऊपर आता है, ना ये पानी जब गर्मी होती है ना डाउन आता है। सर्दी में इतनी बर्फ पड़ती है यहाँ पे, ढेरिया लगती है बर्फ, जो की मंदिर भी बंद होता है यहाँ से। ये साइड पे जो भी मंदिर की आस पास की जो है 6-7 फुट पहाड़ियां नहीं, यहाँ मंदिर की जो अंदर है पहाड़ियां तो होती होती है, मतलब पहाड़ियां तो है मंदिर के अंदर, जो यहाँ पे जगह फुल होती है, यहाँ मंदिर बंद होता है, वो जो पानी होके जैसे हमारे नाले में जैसे पहाड़ों से बर्फ पिघलता है उसके नाले आते हैं, वो यहाँ पे तो वो पानी कहाँ जाता है ये ऋषि जी को पता है कि यहाँ का पानी जो है ये किस हिसाब से इसको ये करते हैं कि ये पानी जो है नीचे किस जगह पे लेते हैं, कहाँ से आता है कहाँ जाता है, ये पता ऋषि जी को है। इस पानी के बारे में नॉलेज भी इनको ही है, या तो ये भर जाना था यहाँ पूरा रेड़ी तक पानी से भर जाना था, तो इसके बारे में तो ऋषि को ज्यादा ज्ञान है कि इसकी शक्ति जो है ना, हम उसको ना हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं किसी को, ना हम इसके बारे में कोई सर्च कर सकते हैं। क्यों? कि ये ऋषि ने जो है, हम कोई तरह जब आते हैं देखते हैं, बरसात में भी उतना है, सर्दी में भी उतना है, ऐसा सोचेगा कोई कि हम इसकी सृष्टि हम बना सकते हैं, कि हमने इसकी सृष्टि बना दी। हमारे जो बुजुर्गों से, हमारे दादा परदादा, पीछे से जो खानदानी पुजारियों की है, वो हमें बताते गए कि भाई ऐसे ही इसका ऋषि का जो है एक पेड़ देवदार से बना हुआ है ये मंदिर, 6 महीने के बच्चे ने है सुना सुनाया है, 13वीं शताब्दी में बना हुआ है। ये तो ऋषि जी जाने की कब ये आए हैं, कब यहाँ, ये हमें एक ही चीज है जो चीज की यहाँ पे जो इसकी साक्षात है, जब ये बेड़ा इसका चलता है, कभी दिन में 5-3-4 चक्कर भी लगाते हैं, हाँ जी, कभी साल में 20 चक्कर होता है, ये इनकी शक्ति अपनी है। हमें इस पे यहाँ पे एक ही सर्च है कि जो ये पानी जो है ना ऊपर आता है ना ये डाउन होता है, ना आने के स्तोत्र है ना जाने के। हमें इतना इसके बारे में जानकारी का यही पता है, बाकी तो महर्षि पराशर जी इसके बारे में जानते हैं। ठीक है जी, थैंक यू बताने के लिए। फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं हम ऊपर, क्योंकि ऊपर से ना बहुत अच्छा व्यू दिख जाएगा आपको, मतलब मंदिर भी एकदम से बढ़िया और यहाँ की झील भी एकदम से बढ़िया दिख जाएगी आपको। तो ऊपर जाते हैं, तो चलते रहते हैं फिर। वाओ, लिटरली मैं बोलूँ तो कितना सारा, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, क्योंकि शाम के टाइम देखो कुछ ही तरह से मिलेगा आपको देखने को, और बहुत ही प्यारा जैसा है। क्या हो रहा है, क्या फोटो खींचो? और मेरा शार्प फूल गया है। किसका शार्प फूल गया? आपका? मेरा। कि आपका, यहाँ देखिए
फेफड़े इसको बकरे के फेफड़े और आपका अब मेरे को बकरे की खाल पीछे दिख रही है बकरे की खाल पीछे दिख रही है मनुया पीछे तो देख पीछे तो देखो क्या देखो पानी की बोतल अभी हमारी पार्टी होने वाली है तो ये मैं हूँ ये मेरे भाई है और ये मेरी दोस्त है तो हमारी अब पार्टी होने वाली है टेंशन है क्या ये क्या है ओए नीचे मत ये तो मेरे साथ नहीं साथ मारना तुम लोग सारा कुछ खा लिया हम ऊपर से आ चुके हैं तो मेरे सारे दोस्त और मेरे भैया परे चले गए हैं साइड में तो मैं पहुंची हूँ अभी इधर तो अब जा रहे हैं हम घर की ओर तो चलो चलते हैं तो यहाँ पे ना कोहरा ही कोहरा पड़ गया था उधर जिसके कारण हम ठंड के कारण बहुत ही पहाड़ की ऊंचाई क्या ही बताए ठंड के कारण यहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल हो गया था तो हमने सोचा अब घर चलते हैं तो ये देखिए तो बाय बाय प्रशर ऋषि बाय बाय रात हो चुकी है और हम अभी प्रशर रोड में है और बाहर कोहरा ही कोहरा है और ये हम आसमान की तो लड़की सुस्त हो चुकी है आसमान की ऊंचाइयों में हमें रास्ते का कोई आभास नहीं है रास्ता किस तरफ है हम बस ये साइड वाले सेफ्टी डिवाइडर की मदद से चल रहे हैं अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है इन्हें शायद मजा आ रहा हो परंतु मुझे कुछ भी मजा नहीं आ रहा है आप तो ड्राइवर हो ना आपको मजा आएगा आप दोनों चुप क्यों बैठे यार आपको भी मजा आएगा जब आपको पेमेंट मिलेगी किनको ओह माय गॉड इन्होंने तो मुझे परमानेंट ड्राइवर बना दिया ये तो अभी शेखली में पहुंचे हैं मुझे कभी रास्ते कोई अनुमान नहीं है।